Hello everyone, welcome to Economics by Vishwan Arpita. So today I'm starting a new series on econometrics. So in today's lecture we'll be studying the linear regression. So linear regression kya hota hai? Linear regression basically hum iske andar relationship padhte hain between dependent relationship between dependent aur independent वेरिएबल्स के बीच में हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं. डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में जब हम रिलेशन पढ़ते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, लीनियर रिग्रेशन. तो ये जैसे हम प्राइस और क्वांटिटी के बीच में से, तो क्वांटिटी डिमांड जो रही हो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इज अ फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, वन या वन से ज़्यादा हो सकते हैं. सिंस लीनियर रिग्रेशन की बात हो रही है तो सिर्फ वन डिपेंडेंट वेरिएबल होगा. जैसे क्वांटिटी डिमांडेड जो प्राइस का फंक्शन है, तो प्राइस का फंक्शन है मतलब जैसे रिलेशनशिप बता रहा है ये कि अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी. ऐसे वेट और हाइट का भी हो सकता है कि वेट और हाइट जितना, जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी एक्सपेक्टेशन होगी वेट भी उतना ज़्यादा होगा, और हाइट कम होगी तो वेट कम होगा. तो ये जो चीज़ें, ये जो रिलेशनशिप बताता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के अंदर, यहाँ पर अगर प्राइस और क्वान्टिटी के अंदर देख रहे हैं तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड जो प्राइस के ऊपर डिपेंड कर रही है ना, तो ये डिपेंडेंट हो गया और दिस इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो जब ये रिलेशनशिप जो है एक्सप्लेन होता है बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो हम उसको क्या बोलते हैं, लीनियर रिग्रेशन. इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि मीन वैल्यू, अगर इसकी हम मीन वैल्यू डिपेंडेंट वेरिएबल की गिवन द वैल्यू ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, वो हम निकाल सकते हैं. इसके अंदर हमारे ऑब्जेक्टिव क्या क्या हम जो देख पाएंगे, हम मीन वैल्यू किसकी निकाल पा रहे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल की गिवन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. सेकंड है कि हम क्या करा था हमने, तो फर्स्ट वाले में मीन वैल्यू देखी थी ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल गिवन हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल या वैल्यूज ऑफ हमारी एक्सप्लेनेटरी, या हम इसको एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी बोलते हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं. और सेकंड हमारा क्या है, सेकंड हम फोरकास्ट कर पाते हैं मीन वैल्यू डिपेंडेंट वेरिएबल की. मीन वैल्यू फोरकास्ट क्या कर पाते हैं, मीन वैल्यू डिपेंडेंट वेरिएबल की, डिपेंडेंट वेरिएबल की गिवन जो वैल्यू हमारी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल की क्या है, बियॉन्ड सैम्पल रेंज, गिवन हमारी वैल्यू क्या है ऑफ इंडिपेंडेंट और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल क्या है, ठीक है. सो थर्ड जो है हमारा, दैट इज़ हम टेस्ट कर पाते हैं हाइपोथेसिस. इस पर ऑब्जेक्टिव हमारा ये भी है कि हम हाइपोथेसिस को भी टेस्ट कर पाएंगे अबाउट द नेचर ऑफ डिपेंडेंसी. क्या कर पाएंगे, टेस्ट कर पाएंगे हाइपोथेसिस को अबाउट द नेचर ऑफ डिपेंडेंसी, ठीक है. सो अब एक हम पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन देखते हैं क्या होता है. पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन बेसिकली लोकस होता है ऑफ द कंडीशनल मीन डिपेंडेंट वेरिएबल का फॉर फिक्स वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. जैसे ये PRF हो गया, PRF ये हो गया कि ये क्या है हमारी, ये जो पॉइंट है ऊपर, ये है हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स वन. ऐसे यहाँ पे कोई, ये कुछ कुछ और पॉइंट्स होते हैं, सैम्पल वाले पॉइंट्स हो गए, ये जो ऑन द लाइन लाया करेंगे दैट वुड बी PRF. ऐसे यहाँ पे हो गया, सो दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन X2. दीज आर पॉइंट्स X1, X2, X3, सारे पॉइंट्स हैं. तो PRF क्या होता है, बेसिकली लोकस होता है किसका, ऑफ कंडीशनल मीन. ये कंडीशनल मीन ही तो है, गिवन उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इज ए लोकस ऑफ कंडीशनल मीन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स फॉर फिक्स्ड वैल्यू ऑफ हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल. वैल्यू किसकी निकल रही है, कंडीशनल, दिस इज़ व्हाट कंडीशनल मीन क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल का फॉर गिवन वैल्यू और फिक्स्ड वैल्यू हमारी किसकी है, फॉर फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स, ठीक है. तो इसमें जैसे अगर हम देखें कि
एवरेज एक्सपेंडिचर जो है वो हम देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इनकम, कि कुछ लोगों के कुछ कुछ इनकम्स हैं, दिस इज इनकम, तो कितना खर्चा करेंगे, ये ऊपर नीचे कुछ भी हो सकते हैं। जैसे कोई एक इंडिविजुअल है, उनका हमने ले लिया, एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होएगा कि मैंने क्या बोला है वर्ड्स में। जैसे एक इंडिविजुअल है, उसकी हमने ले ली इनकम, मान ली कुछ है इनकम, ले ली 100, 150, 120, 130, 140, तो अगर हम इन सब का ऐड करके देखेंगे तो कुछ एवरेज आएगा। तो ये उनकी इनकम है, गिवन इनकम, 100 का बंदा, 150 का बंदा, 120 का बंदा कितना खर्चा कर रहा है। अब एक्सपेक्टेशन खर्चा, ये कर रहा है 80, ये कर रहा है 70, ज़्यादा इनकम वाले ज़्यादा खर्चा करेंगे। वैसे इनकम जैसे बढ़ेगी, ये दिस वुड बी 120, 150, 200, तो 100 वाला 80 कर रहा है, 150 वाला 100 कर रहा है, 120 वाला 90 कर रहा है, 130 वाला 195 कर रहा है, एंड 140 वाला हमारा 98 कर रहा है। तो इसका अगर हम एवरेज निकालें कि गिवन उनकी इनकम्स वो कितना एवरेज खर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे खर्चे हम बहुत सारे लिख लेते हैं, रादर देन 80 वी कैन राइट 50 कर रहे हैं कुछ किसी और कमोडिटी पे, 60 कर रहे हैं, 40 कर रहे हैं, 80 कर रहे हैं, 90 कर रहे हैं, 100 कर रहे हैं। तो अगर हम इसका एवरेज लेंगे कि गिवन उनकी मनी इनकम कितनी है, वो कितना एवरेज खर्चा कर रहे हैं, वो हम डिपेक्ट करते हैं PRF पे। समझ आई आपको कि इनकी अगर हमें क्या दे रखी है, इनकम दे रखी है 100 रुपये, 150 रुपये, 120 रुपये। अगर मुझे उनकी इनकम दे रखी है, उनकी एक्सपेंडिचर का मैं एवरेज लूँ, तो दैट इज़ डिपेक्टेड ऑन PRF की लोकस ऑफ कंडीशनल मीन। इन मीन का किसका मीन है, ये एक्सपेंडिचर का मीन, गिवन उनकी इनकम क्या है, फिक्स्ड वैल्यू ऑफ इनकम पे वो कितना ऊपर नीचे खर्चा कर रहे हैं, उसका जो एवरेज लेके जो लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट इज़ PRF। तो इन केस ऑफ लोकस ऑफ कंडीशनल मीन, ये जो लाइन जो होती है PRF, इसको हम बोलते हैं कंडीशनल मीन वाली जो लाइन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। देयरफॉर मैथमेटिकली जो हमारा इक्वेशन होती है, वैसे हमारी इक्वेशन YI इज इक्वल टू जो PRF की इक्वेशन होती है, दैट इज़ β1 प्लस β2 XI प्लस UI होती है। तो कंडीशनल मीन ले रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन ले लेते हैं, YI इक्वल्स टू β1 प्लस β2 XI पूरे का एक्सपेक्टेशन UI। तो क्या होगा, β1 β2 एज इट इज़ रह जाएगा, एक्सपेक्टेशन एक एरर की ज़ीरो मान लेते हैं, कोई भी एक्सटर्नैलिटी हटा के जो होता है उसे हम ज़ीरो मान लेते हैं। तो इक्वेशन आ जाती है β1 प्लस β2 XI, दिस इज़ एक्सपेक्टेशन ऑफ YI। एक्सपेक्टेशन आपको पता ही है क्या होता है, जब हम एक्सपेक्टेशन YI कर रहे हैं, मतलब हम समिशन YI अपॉन N कर रहे हैं बेसिकली। एक्सपेक्टेशन इज़ बेसिकली, या प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हैं उस फंक्शन की, सबमिशन करके एन से डिवाइड इज बेसिकली एक्सपेक्टेशन। तो हम मीन वैल्यू निकाल रहे हैं सारे एक्सपेंडिचर की, गिवन उनकी मनी इनकम जो होती है, दैट इज़ PRF। तो ये जो लाइन इसमें से पास होएगी उसको हम बोलेंगे PRF, और β1 β2 जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, हमारे रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, वो हमारे रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स हो गए। एंड जिसके अंदर जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स हैं दैट आर अननोन, जो हमारे कोएफिशिएंट्स हैं दे आर अननोन, और बट ये जो हैं कोएफिशिएंट्स दे आर फिक्स्ड। तो रिमार्क टू जो है, दैट इज़ बेसिकली जो β1 है वो क्या होता है, हमारा इंटरसेप्ट टर्म होती है, β2 जो है, और जब हम बोलते हैं कि हमारा एक्स जो है अगर वो ज़ीरो हो जाए, जैसे अगर हम कोई एक कंजम्पशन फंक्शन ले लेते हैं, कंजम्पशन जो है वो फिक्स्ड इनकम, और उसकी फिक्स्ड एक कंजम्पशन होती है, और एक MPC टाइम्स हमारा इनकम से जो मल्टीप्लाई होता है, दिस इज़ कंजम्पशन फंक्शन। तो कंजम्पशन फंक्शन ये, इसका मतलब ये है कि जब अगर सी सी बार के बराबर का होगा, कब होगा, जब मतलब वो इनकम कुछ भी नहीं कमा रहा पर वो सी लेवल ऑफ कंजम्पशन तो कर ही रहा है, दैट इज़ वाई जो हमारा कंजम्पशन कर्व होता है, कंजम्पशन फंक्शन जो है, दैट इज़ ड्रॉन हियर, कि
कि ये जो सी लेवल ऑफ कंजम्पशन है, चाहे वो इनकम जीरो भी कमाए तब भी उसकी ये सी लेवल ऑफ कंजम्पशन तो रहेगी। फिर जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी कंजम्पशन बढ़ती चली जाएगी। सो दैट इज शोन लाइक दिस। सो दिस इज सी बार प्लस सी वाई विच इज हमारा कंजम्पशन। तो ऐसे ही बोलते हैं कि अगर हमारी जीरो लेवल पे भी कुछ कंजम्पशन हो रही है दैट इज सी बार। तो अगर हमारा इस केस में y, अगर y i ज़ीरो है, y i ज़ीरो मतलब एवरेज वैल्यू जो हमारी इनकम की होगी दैट वुड बी बीटा वन। तो उस केस में जो हमारी एक्सपेक्टेशन y i मतलब एवरेज वैल्यू जो इनकम की होगी दैट वुड बी बीटा वन। एंड बीटा टू क्या होता है, वो होता है हमारा स्लोप कोएफिशिएंट। क्या होता है, स्लोप कोएफिशिएंट। एंड जहाँ पे x जो है वो इंक्रीज करता है बाय वन यूनिट, देन एवरेज वैल्यू हम y ले लेते हैं एंड दैट इज इंक्रीज बाय बीटा टू यूनिट्स। इसलिए हम इसका अगर डेरिवेटिव लें, डेरिवेटिव ऑफ y गिवन एक्स आई, गिवन एक्स आई, तो इसका डेरिवेटिव वुड कम टू। अगर इसका हम डेरिवेट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई विल गेट बीटा टू विच इज़ द स्लोप कोएफिशिएंट। तो मतलब अगर हम इसको, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी, इफ़ x इज इंक्रीज बाय वन यूनिट, अगर हम x को एक यूनिट से बढ़ाएंगे तो ऑन एन एवरेज जो हमारा y है दैट वुड इंक्रीज बाय बीटा टू यूनिट्स। अगर हम इसको x को किससे बढ़ाएं, एक यूनिट से बढ़ाएं, तो एवरेज वैल्यू जो y की है मतलब एक्सपेक्टेशन मतलब एवरेज वैल्यू जो y की है दैट वुड इंक्रीज बाय बीटा टू यूनिट्स। दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि अगर हमारा x जो है वो एक यूनिट से बढ़ेगा तो हमारा जो एवरेज इनकम है दैट वुड इंक्रीज बाय बीटा टू यूनिट से बढ़ जाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं स्लोप कोएफिशिएंट। फिर अब आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज स्टोकास्टिक, स्टोकास्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ PRF, स्टोकास्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ PRF कि गिवन हमारा इनकम लेवल जो हमारा गिवन था, गिवन हमारा इनकम लेवल एक्स है, इंडिविजुअल कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है गिवन उसका वाई आई। सो अगर हम एक्चुअल की बात करते हैं, क्योंकि सिंस हम PRF जो है पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन होता है, क्या होता है ये, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन होता है, ये पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन होता है एंड SRF सैम्पल होता है। और पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन का एक एक चीज़ निकालना दैट इज़ डिफ़िकल्ट, तो हम सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन यूज़ करते हैं। पर अभी हम स्टोकास्टिक रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं कि कैसी होती है। तो yi इज इक्वल टू, अभी मैं SRF के बारे में भी आपको बताऊंगी आगे, तो इसकी स्टोकास्टिक रिप्रेजेंटेशन इज़ yi टोटल का एक्सपेक्टेशन ऑफ, ये हमने जब हमने एक्सपेक्टेशन करा था तो ui ख़त्म हो गया था ना, टोटल y तो ये था, एक्सपेक्टेशन लगाया तो दिस y गॉट ज़ीरो, एरर जो था वो ज़ीरो हो गया। तो हम बेसिकली ये कर रहे हैं कि yi जो है वो ये प्लस हमारा एरर टर्म है, ठीक है। तो yi इज़ एक्सपेक्टेशन ऑफ yi गिवन xi प्लस ui, जहाँ पर हमारा yi क्या है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर है, क्या है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर है एंड दिस इज एवरेज एक्सपेंडिचर, ये क्या है, एवरेज एक्सपेंडिचर है। और ये क्या है, यू आई इज़ द रैंडम कॉम्पोनेंट, कोई भी एक रैंडम कॉम्पोनेंट है या एरर टर्म भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर जो हमारा ये क्या है, एक्चुअल खर्चा कितना हो रहा है, ये हमारा एवरेज खर्चा ऑन एन एवरेज कितना है, एवरेज निकाल दिया था ना, ये एक्चुअल खर्चा तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कहीं भी है, पर ये एक्चुअल हमारे ऊपर नीचे कहीं भी है, ये यहाँ पे भी हो सकता है, पर हमने क्या किया था उसमें से इनको एरर को हटा के सीधा बोल दिया था ये है। तो हमने एक्सपेक्टेशन में जब एरर ऐड कर देते हैं तो एक्चुअल निकल जाता है, ये एरर्स को ऐड कर देंगे तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी विल गेट द स्टोकास्टिक रिप्रेजेंटेशन। सो दिस एज वी नो वाई आई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन, क्या होता है, वाई आई गिवन एक्स आई इज बीटा वन प्लस बीटा टू, एक्स आई प्लस यू आई, यू आई क्या है, एरर टर्म होता है बेसिकली, एरर टर्म या रैंडम कॉम्पोनेंट वी से। सो
हियर वाई आई क्या आ रहा है हमारा, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई गिवन एक्स आई प्लस यू आई, ठीक है, दैट इज अगर हम इस पूरे का एक्सपेक्टेशन करें, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई गिवन एक्स आई प्लस एक्सपे यू आई, तो अगर हम इसका एक्सपेक्टेशन लेंगे तो वी विल गेट एक्सपेक्टेशन दिस एंड दिस सेम ओनली, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई गिवन एक्स आई है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई गिवन एक्स आई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई गिवन एक्स आई प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स आई। सो मतलब ये तो है गिवन एक्स आई, गिवन एक्स आई तो है ही, दैट इज दैट होल्ड्स फॉर एवरी इक्वेशन, कि एक पर्टिकुलर इनकम लेवल पे क्या क्या एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसके अंदर एरर टर्म्स भी हो सकते हैं, जो हमारा एक्चुअल ये है और जो हम पीआरएफ पे कर रहे हैं दैट इज दिस, तो दिस विल गेट कैंसिल, तो इससे हमें पता चल जाता है कि एरर टर्म गिवन एक्स आई जो है दैट इज ऑलवेज जीरो, कि एरर टर्म का जो एक्सपेक्टेशन है ऑन एन एवरेज दैट इज जीरो, सो दिस कैन बी डिपिक्टेड लाइक दिस ऑल्सो, ये हमने उसमें ऊपर लिखा नहीं था, बट दिस इज ऑलवेज गिवन कोई इनकम लेवल जो है कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो मीन जो है एरर टर्म का इज जीरो इफ रिग्रेशन लाइन जो है, मीन कब जीरो होगा, अगर रिग्रेशन लाइन जो है किसमें से पास करे, कंडीशनल मीन वैल्यू से, ये कंडीशनल मीन वैल्यूज ये हैं, वाई गिवन एक्स वन, वाई गिवन एक्स टू, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स थ्री, तो ये कब होगा, मीन जो है ज़ीरो होगा तो क्या होगा, मीन अगर ज़ीरो होगा तो रिग्रेशन लाइन कहाँ से पास करेगी, इट विल पास थ्रू द कंडीशनल मीन वैल्यू से ही पास होगी, कंडीशनल मीन वैल्यू से पास हो रही है, आपको नज़र आ ही रहा है, ठीक है। सो दिस वाज द स्टोकास्टिक रिप्रेजेंटेशन जो हमारी पीआरएफ की थी, अब हम जो पढ़ेंगे दैट इज सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन, सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन, सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन क्या होता है, ये दिस इज सपोर्टेड बाय वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ y कॉरस्पॉन्डिंग टू गिवन x जो है हमारा, तो सिंस सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन जो है वो लाइन है, हम सैम्पल रिग्रेशन क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे हाथ में ही नहीं आएगी हम पॉपुलेशन का पूरा डेटा लाएं, तो इसलिए हम सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन जो है वो यूज़ करते हैं, एक्चुअल लाइफ में हम सैम्पल्स ही यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हम पॉपुलेशन का डेटा निकालने लगे तो इतनी ज़्यादा कॉस्टिंग कर होती है, तभी आपने देखा ही होगा सेंसस कब होता है, 10 सालों बाद होता है, इट इज़ आफ्टर अ डिकेड, क्योंकि एक सेंसस को कलेक्ट करने के लिए कितना कॉस्ट रिक्वायर्ड होता है, सो दैट इज़ वाई वील बी स्टडिंग, अब आगे पूरी इकोनोमेट्रिक्स में वील बी स्टडिंग द सैम्पल रिग्रेशन फंक्शंस ओनली, जिसमें ज़्यादातर हम डेरिवेशंस वगैरह उसी के बेसिस पर करेंगे, दिस वन एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, इससे जो लाइन पास हो रही है दैट इज़ SRF, वो क्या है SRF, तो सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन जो है इज़ अ लाइन जो कि इससे पास होएगी, देयरफॉर इसको हम मैथमेटिकली जो हमने वहाँ पे किया था दैट वाज y इज इक्वल टू बीटा वन बीटा टू, यहाँ पे हम करेंगे b1 b2 और छोटा और हमारा एक्स आई गिवन जो भी है इज इक्वल टू, और y जो था वो वहाँ पे y आया था, यहाँ पे क्या होगा y हैट हो जाएगा, y हैट बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स आई, सो हियर बी वन क्या बीटा टू हैट का एस्टीमेशन है, बीटा वन हैट और बी टू इज बीटा टू हैट का एस्टीमेशन ऑफ बीटा वन एंड इज एन एस्टीमेट ऑफ बीटा टू, ये लिख सकते हो इज एन एस्टीमेशन किसका है ऑफ बीटा वन इज एन एस्टीमेशन ऑफ बीटा टू, सो योर वाई आई हैट क्या इज एन एस्टीमेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई गिवन एक्स आई, तो स्टोकास्टिक रिप्रेजेंटेशन SRF की कैसे करते हैं हम, स्टोकास्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ SRF वो हम कैसे करते हैं, स्टोकास्टिक रिप्रेजेंटेशन वाई आई इज इक्वल टू वाई आई हैट प्लस एरर टर्म जो कर देते हैं हम, ये हमारा टोटल एक्चुअल वैल्यू जो है
एंड दिस इज पॉइंट ऑन द SRF, जो हमारा SRF पे पॉइंट है, एंड दिस इज द रेजिडुअल टर्म. ये हमारी रेजिडुअल टर्म है. सो इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं. अभी हमने क्या लिखा था इसे, ये लिखा था. सो yi इज इक्वल टू बी वन प्लस बी टू एक्स आई प्लस एरर टर्म हमारी, जहाँ पर एरर टर्म जो है ei जो है वो किसका एस्टीमेशन है, ui hat इज एन एस्टीमेटर ऑफ ui. ठीक है, अब जो हम करेंगे दैट इज ऑर्डनरी लीस्ट स्क्वायर. आगे इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी अपलोडिंग वीडियो ऑन OLS, द ऑर्डनरी लीस्ट स्क्वायर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो डू वॉच दैट. सो ये आई गेस आपको समझ में आएगा कि वॉट आई हैव टॉट इज, ऑल्दो बहुत बेसिक है, बट यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स बिफोर गोइंग आगे आगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू इकोनॉमिक्स बाय विशन अर्पिता. बाय बाय.